नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला के साप्ताहिक बाजार में मजदूरों के लिए बनने वाले मजदूर भवन बनने में ग्रहण लग सकता है। चूंकि विधायक के नेतृत्व में वहां के व्यापारियों ने मजदूर भवन बनने का विरोध किया है। विरोध करने वाले व्यापारियों का कहना है कि इस स्थान से हटकर अन्यंत्र या भवन बन चुके, जहाँ भवन बन रहा है वहाँ व्यापारियों के कई दुकानें हैं, साथ में साप्ताहिक बाजार हाट लगती है। यहाँ मजदूर भवन बनने से व्यापारियों को व्यवसाय करने में कठिनाई हो सकती है। ज्ञात हो कि मजदूरों के लिए चीर लंबित मांग थी कि मजदूर भवन बने। जिला प्रशासन ने इस भवन बनाने के लिए टेंडर करने के बाद काम शुरू करवा दिया, मगर विधायक के नेतृत्व में जिस प्रकार विरोध हो रहा है उससे लगता है कि मजदूर भवन बनने में ग्रहण लग सकता है। सरकार और प्रशासन व्यवसाय किसान दुकानदार को सरकार की कल्याणकारी योजना से आच्छादित कर रोजगार को बढ़ावा देती है। वहीं दूसरी ओर शहर के साप्ताहिक बाजार टांड में बन रहे मजदूर भवन को लेकर सैकड़ों की संख्या में दुकानदार और व्यवसायी किसान ने जमकर बवाल काटा है। दुकानदार ने मजदूर सेट बनाने को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ में विरोध किया है। सब्जी लाते हैं, जो भी सब मेन बाजार है, अगर यहाँ से हम लोग का माल पान नहीं बिकेगा तो हम लोग बाल बच्चा कहाँ पोसेंगे। हम लोग का मेन एक ही बाजार यही है, हम लोग कहाँ सब्जी बेचेंगे, फिर सब्जी को हम लोग कहाँ बेचेंगे। यही हम लोग का बाजार, यही रहना चाहिए, यही लगना चाहिए, यही हम लोग को सब्जी बेचना जरूरी है। नहीं लगने देगा तो हम लोग भूखे मरेंगे। हम लोग को दीजिए रोजगार खर्चा, रोजी रोटी का दीजिए खर्चा हम लोग को। यहाँ पे जो है गुमला जिला में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जो मजदूर का कमाने का साधन है। ये गुमला जो बाज़ार है, ये सप्ताह में दो दिन बाज़ार लगता है, एक मंगलवार और शनिवार। यहाँ पास लोग पूर्वजों से अपना व्यापार चला रहे हैं, कोई कपड़े के बिजनेस कर रहा है, कोई श्रृंगार है, कोई जूता चप्पल का। इससे बिजनेस करके जो पैसा उनको इनकम होता है उससे उनका परिवार का जीविका चलता है। और ये जो प्रशासन जो गुंडागर्दी दिखा रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐसा जमीन है जहाँ पे आप भवन निर्माण कर सकते हैं। हम लोग आपके खिलाफ नहीं हैं। यहाँ पे भवन निर्माण होगा, सुंदरीकरण होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी के पेट में लात मार के आप अगर सुंदरीकरण करवा रहे हैं तो ये बेकार है। ये प्रशासन दबंगगिरी अगर नहीं मानती है तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर रोड जाम करने का जरूरत हो तो हम लोग रोड जाम करेंगे। प्रशासन को घेरने का काम अगर पड़ेगा तो हम लोग उसको भी घेरेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग भवन निर्माण नहीं होने देंगे। मांग हम लोग का है कि यहाँ पास ये जो भी काम है ये बंद होना चाहिए। और जैसे ये बाजार नहीं, सरकारी जमीन बहुत सारा है, तो ये जो यहाँ पास काम हो रहा और कहीं पास भी सरकारी काम करने का हम लोग रोक में नहीं है, काम करने का बंद में नहीं है। सरकारी काम का हम लोग कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जगह चेंज होना चाहिए। मानते हैं आपकी हम लोग बिल्कुल हड़ताल में जाएंगे सर, बंद करेंगे, बिल्कुल पूरा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर देंगे बाजार। हम लोग इस बाजार में मतलब बहुत गरीब लोग अपने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सामान लाते हैं, बेचते हैं, उसके बाद फिर जा करके एक सप्ताह या चार दिन के लिए मतलब रोटी का जुगाड़ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, जो भी खर्च की आवश्यकता होती है उसका मतलब व्यवस्था करते हैं। ये जो बन रहा है इसको यहाँ जहाँ वो लोग बाज़ार लगाते हैं मतलब उसे थोड़ा हटा के ही बनाया जा सकता है, स्थान है यहाँ। यदि जगह ना हो तो आदमी सोचे कि जगह नहीं है, मगर यदि जगह है तो जीविकोपार्जन में मतलब यहाँ की जनता का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई उनके जीविकोपार्जन में मतलब बाधा ना बनी जाए और मतलब उनके जीविकोपार्जन की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए। चैम्बर का ही मानना है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे तो मतलब है किसी को कुछ फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। ये जो शेड बन रहा है इसे हट के ही बन सकता है, उसके लिए स्थान है। इसीलिए मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि शेड अखबार में ये सब हम देखे नहीं हैं, तो विज्ञापन में भी देखे नहीं है क्या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। लेकिन अब ये बाजार टाण का प्राकृतिक से लगता है कि अपंग हो जाएगा बाजार। अगर किसी व्यक्ति का प्राकृतिक से खिलवाड़ हो जाए तो अपंग हो जाएगा। अब यहाँ बाजार है, इस बाजार का प्रकृति से खिलवाड़ हो जाएगा तो बाजार भी अपंग हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इतना बेरोजगार लोग हैं, अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए बाजार हाट करके अपना जीवन यापन करता है।
और सारे लोगों का बाजार हाट ही लूट जाएगा, कौन लेगा? जो इतना लोग लूट जाएगा, इनका रोजगार लूट जाएगा, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी सीसीआई रोड को पूरे सुपड़ा साफ कर देंगे हमारा इधर पुग्गू नदी तक, इधर 10 मीटर उधर और 10 मीटर इधर, कौन सी बचेगा? इधर पूरे बाजार का सुपड़ा साफ कर देंगे तो कौन सी बचेगा? कहाँ जाएगा बेरोजगार लोग? इतना लोगों को रोजगार देना संभव है? इसलिए बाजार हाट का प्रकृति से खिलवाड़ ना हो, इसका प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो, इसी के लिए हम यहाँ के आम जनों का जो पीड़ा है, आम जनों की पीड़ा के साथ हम हैं।